नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएचयू फाइनली ओपन होने जा रहा है और ऐसे में एक वीडियो की डिमांड बहुत ज्यादा है। सर, हॉस्टल अलॉटमेंट का एक पूरा प्रोसेस का वीडियो हमें दे दो, जिससे हम एकदम निश्चिंत हो जाए कि हमें हॉस्टल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में प्लीज आप एक वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली आज एक हॉस्टल अलॉटमेंट का एकदम पूर्ण कहानी के साथ एक वीडियो है, यानी वो किनको मिलता है, क्यों मिलता है, कितने मार्क्स पे मिलता है और ये कहां कहां है, इसकी जो पूरी सीरीज आएगी जब देखोगे तो पूरा जो आपका एक माइंड में प्रॉब्लम है, जो समस्या है हॉस्टल को लेके, वो समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं बोर करूंगा एक पॉइंट बोल के, वो ये है कि बीएचयू पाठशाला आप बहुत दिनों से देख रहे हो। मैं लोगों के स्टेटस भी कुछ लोगों के देखता रहता हूँ जो बच्चे हमारे यहाँ से स्टडी किए थे, इस बात की बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं कि फाइनली बीएचयू ओपन होने जा रहा है। आने वाले समय में बीएचयू आने से पहले किन बातों को ध्यान रखना है, इस पर एक वीडियो आएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें आपके कैरियर से रिलेटेड बात बताऊंगा। बीएचयू में आने के बाद आपको किन किन बातों को ध्यान देना है, अपने एम से रिलेटेड, ये तमाम जो एक अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी से बात रखी जाएगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए प्लीज आने वाली जो हमारी 10 वीडियोज हैं वो पूरी देखना आप। हाँ, अब ये चीज पाठशाला के 49 के आप बहुत दिनों से देख रहे होगे, 50 पूरे होने वाले हैं, बहुत तो अग्रिम शुभकामनाएं भी लिखते रहते हो। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर बीएचयू पाठशाला आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लगता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करें, अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं और अपने आने के साथ साथ बीएचयू पाठशाला को भी 50K कंप्लीट करें, जिससे हम सब मिल के इसको सेलिब्रेट करें किसी दिन भीटी पे। ओके, हॉस्टल अलॉटमेंट को पूरा समझते हैं। पहले कुछ हम लोग ऑफिशियल नोटिस पे नजर डालते हैं। ये आपके मेन कैंपस का नोटिस है, जिसमें हम लोग पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं और 7 और 8 को देखते हैं, जो कि नीचे से तीनों पॉइंट जो है वो हॉस्टल से संबंधित हैं। 6 में जो बात मेंशन की गई है आपको ऐसे क्लियरली नहीं समझ में आएगा, बट उसमें यही लिखा हुआ है कि कोशिश की जा रही है कि डबल ऑक्युपाइड, डबल मतलब एक रूम में जो पहले प्रक्रिया चलती थी स्टार्टिंग में हम लोग के टाइम पे, जो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो मतलब एक रूम में दो बच्चों को अलॉटमेंट किया जाएगा। ये बात डबल इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि कुछ समय पहले जब कोविड के टाइम पे इन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट किया था बीएचयू में, तो सिंगल रूम में एक ही बच्चा का रखा गया था बस। ठीक है, अभी क्या है, अभी इसको बोल दिया गया है कि दो बच्चे रहेंगे, तो ये अच्छी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, वो है कि हॉस्टल के प्रशासन से निवेदन है कि हॉस्टल के प्रशासनिक लोग जो हैं, यानी जो भी मैनेजमेंट है, जो वार्डन है, जो भी वहां के चौकीदार हैं, वो लोग हॉस्टल की साफ सफाई कर दें, वाईफाई वगैरह, लाइटिंग, ये सब मरम्मत कर दें, जिससे कि बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट करने में सहूलियत हो। एक लास्ट पॉइंट और भी मेंशन है जो आपके काम का नहीं है, वो ₹50 का शायद मुझे डीडी बनवाना रहता है, कुछ रहता है, वो जब आप आओगे तो उसका प्रोसेस समझ जाना। अब आते हैं मुद्दे पे। अच्छा, यहाँ पे एक और नोटिस है, इसको भी समझ लेते हैं। बसंत क्या नाम है, बसंत कन्या महाविद्यालय BKM से ये एक नोटिस आई है और इस तरीके की नोटिस हर एफिलेटेड कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आती रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहो, उनके जो भी ऑफिशियल सोशल मीडियाज हैं उसको फॉलो भी करो, जिससे वहां से आपको अपडेट मिलता रहे। अगर हम लोग इस नोटिस की बात करें तो यहाँ पे ये मेंशन है कि 21 तारीख तक, इसी 21 फरवरी तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी बच्चे कॉलेज में उपस्थित हो जाए ऑफलाइन मोड में। अब आप सोच रहे होंगे, सर अभी फर्स्ट ईयर बच्चों का तो खुला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफिलेटेड के लिए नोटिस है। एफिलेटेड के बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो पूरे पूर्ण क्षमता के साथ सभी के लिए 21 तारीख तक ओपन कर रहे हैं। इसीलिए मैं FMC के बच्चों को बोल रहा हूं यहीं पे एक बार फिर से कि आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ो, वहां पे एक ट्विटर कंपेनिंग चल रहा है जो कि हम लोग कल से स्टार्ट किए हुए हैं, लगभग 100+ उस पर रिट्वीट हो चुके हैं। 100 रिट्वीट बीएचयू लेवल पे बहुत है, इसके लिए आप मत होना फेल हो रहे, फेल नहीं हो रहे, पास हो रहे। ठीक है, आप लोग डेली 5 बजे बीएचयू पाठशाला के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाया करो, वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी लंबा चौड़ा लिख रखा है, बस आप उसे रिट्वीट और हर्ट रिएक्ट कर दिया करो, जिससे कि बीएचयू को ये पता चलता रहे कि जो बच्चे हैं वो परेशान है, उनका भी उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ओपन कर दिया जाए। ठीक है, बात लंबा हो रही है, आइए मुद्दे पे आते हैं कि हॉस्टल मिलता कैसे है। ठीक है, एक हम लोग ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं पहले।
अब देखो सपोज कि ये हॉस्टल है, ठीक है। अब ये हॉस्टल मिलता कैसे है, यहां पे 80 और 20 प्रतिशत का एक क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना रहता है। यानी जो हॉस्टल का मेरिट बनेगा, जो इंडेक्स बनेगा आपका, या फिर जो रैंक रेडी होगा, वो रैंक किस बेसिस पे रेडी होगा दोस्तों, तो वो 80% आपके मेरिट इंडेक्स से लिया जाएगा, यानी एंट्रेंस बेसिस पे लिया जाएगा, ठीक है। और 20% आपके डिस्टेंस से लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर डिस्टेंस तो मैं आप बनारस में आके रहती हूं, या फिर सर मैं झारखंड में अब रहता हूं। आपका डिस्टेंस वही मान्य होगा जो आपने बीएचयू फॉर्म के टाइम पे मेंशन किया होगा, ठीक है। अब बीएचयू आपसे कोई डिस्टेंस नहीं लेगा। तो 80 और 20 मिला के फाइनली ये लोग एक लिस्ट रेडी करेंगे, जो कि जो बच्चे अभी 2021 में दाखिला लिए हैं, यानी 2021 बैच वाले, अभी 20 बैच वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं बताऊंगा कि उनका कैसे दिखेगा। 21 बैच वालों की जो पोर्टल है, स्टूडेंट पोर्टल, वहां पे हॉस्टल अलॉटमेंट का देखोगे तो एक पूरा डैशबोर्ड ही रहता है आपका, तो यही शो करेगा, यहीं पे एक शो करने लगेगा कि फाइनली आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया है। अगर हम 21 वाले हैं ना, हाँ 2020 वाले बैच की बात करें हम लोग, 2020 बैच वाले जो आपके जस्ट सीनियर बैच हैं, क्योंकि इनका तो हॉस्ट स्टूडेंट पोर्टल गायब हो चुका है भाई, उनका गायब हुआ तभी तो आपका पोर्टल बना वहां पे बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनका जो लिस्ट आएगा हॉस्टल का, वो फैकल्टी और हॉस्टल के गेट पे चस्पा कर दिया जाएगा। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनका हॉस्टल अलॉटमेंट एफएमसी का उनके फैकल्टी के गेट पे और उनके हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया हुआ मिलेगा कि इन बच्चों को हॉस्टल दिया गया है। अब बात आती है कि हॉस्टल कब तक अलॉटमेंट हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मजबूरी है, लंबा करना भी पड़ेगा क्योंकि पूरी डिटेल समझानी है मुझे। तो अब हॉस्टल कब तक मिलेगा, एफएमसी की अगर हम लोग बात कर ले पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है एफिलेटेड को हम सेपरेट ले आते हैं ना, क्योंकि एफिलेटेड को मैं अगर मिक्स करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एफएमसी की बात करते हैं हम लोग, एफएमसी और एमएमबी को ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एमएमबी एफएमसी की अगर हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें विभिन्न कोर्स वाइज, तो 30% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले हॉस्टल दिया जाता है। इसमें एक मैं एक आपको इनपुट भी दूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि वीसी सर ने आपको बताया है कि उनका टेक्निकल पर्सन है भाई, पता है वो आईआईटी से आए, तो उनका मतलब ये है कहना कि देखो हमारे हॉस्टल्स के रूम खाली नहीं होने चाहिए। बीएचयू प्रशासन इसके पहले हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे करता था, ठीक है ठीक है इनको मिल गया चलो अब लॉक लगा दो रख दो रूम, ऐसा नहीं। इनका कहना है हॉस्टल के रूम खाली नहीं होने चाहिए, अगर है तो उसे अलॉट करो, पहले बच्चों को दो, वहां रह के पढ़ाई करें। ये बहुत एक सकारात्मक सोच है वीसी सर का। तो ऐसे में 30% को फुलफिल करते हुए यदि हॉस्टल्स में रूम रह जाते हैं तो ये बच्चों को अलॉट किया जाएगा। इसीलिए हॉस्टल जो है वो उसकी कई लिस्ट आ सकती है। अच्छा, ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात बोल दें कि हॉस्टल जब भी ओपन हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग के एक महीना जो है वो आके यहाँ आसपास किसी लॉज, किसी होटल, किसी पीजी में, किसी कहीं रूम लेके आपको सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्टल का पूरा प्रोसेस होने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है आपको आते ही यहाँ पे कोई आपका पूरा लगेज पकड़ेगा, आज भाई रूम नंबर 32 आपका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको यहाँ आने के बाद अपनी स्टडी शुरू करनी पड़ेगी, उसी दरमियान आपको जा जाके अपने हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे, अपनी फैकल्टी के नोटिस बोर्ड पे चेक करते रहना पड़ेगा। अच्छा आज लिस्ट आई क्या, अच्छा नहीं आई है कल चेक करता हूँ। इस तरीके से आपको लगभग स्टार्टिंग के वन मंथ आपको पूरे डॉक्यूमेंट बनवाने, जैसे कि आपको हेल्थ कार्ड, जैसे कि लाइब्रेरी कार्ड, जैसे कि स्टूडेंट आईडी, किसी को स्विमिंग करना है तो स्विमिंग कार्ड, ये तमाम आनी रहेंगी। तो एक महीने आप लोग ऐसे एक्स्ट्रा लेके चलना, नेक्स्ट मंथ में आप लोग को हॉस्टल मिलेगा। वो भी कितने लोगों को मिलेगा, 30% लोगों को मिलेगा, 30% लोगों को मिलेगा, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे एफएमसी की हो, चाहे एमएमबी की हो। अब आप मेरे को कमेंट करके अगर बताओगे कि सर आप ये बताओगे मेरे कोर्स में किनको किनको किस मार्क्स तक मिलेगा, तो उसका फिर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 30% के बाद कुछ चीजों को ध्यान देते हैं। जैसे एफएमसी के हॉस्टल की बात करें, इसका जो पेमेंट है बहुत कम है, ठीक है, हॉस्टल की फीस बहुत कम है। मान के चलो कि 10,000 पूरे साल का 10 से 12,000 पूरे साल का, इससे भी कम होता है किसी किसी में, 10 से 12,000 ज्यादा नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगर बात करें सर भोजन, तो हॉस्टल में भोजन पहले जो था वो बीएचयू प्रशासन की तरफ से आपका फूल फूडिंग भी हुआ करता था।
अभी यहां पे टेंडर चलता है, टेंडर किसी को दिया जाएगा, वो टेंडर हायर करेगा, फिल करेगा, अगर उसका टेंडर पास हो जाता है तो फिर वो हलवाई जो है वो आपके यहां भोजन बनाएगा, वो भोजन बनाएगा, गवर्नमेंट भी सब्सिडी उसमें अपना इंक्लूड करेगा, वो इंटरनल मामला है, उसको मैं क्या ही समझाऊं आपको। एक थाली की जो प्राइस आती है वो आती है 40 रुपीज, लेकिन पर हॉस्टल में इसकी जो प्राइस है 5 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे किसी हॉस्टल में 45 मिलेगा, कहीं पे 35 भी मिल सकता है, किसी में 50 भी मिल सकता है। अगर मीनू की बात करें हॉस्टल के, तो इसको मैं किसी दिन हॉस्टल में जाके दिखा दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ला रहे हैं कि जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा वो भोजन कैसे करेगा, तो उनको मैं एक चीप एंड बेस्ट तरीका बताऊंगा कि वो किस तरीके से बेहतर लग्जरियस थाली खा सकते हैं बीएचयू में बहुत ही कम पैसे में, वो मैं बता दूंगा आपको। तो यहां पे 40 रुपए में जोड़ लेता हूं, ये आपका 10 से 12 हजार, 40 रुपए पर थाली पर डे, यानी 80 रुपए, 8 तरीके 24 रुपए के आसपास पर मंथ आपका भोजन का आने वाला है। ये रहा बीएचयू के एफएमसी के हॉस्टल्स। अब हम लोग हॉस्टल्स के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा, जिससे कि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आपको बताएं तो आपको थोड़ा सहूलियत रहे समझने में। अब एफएमसी के अगर हम लोग कुछ हॉस्टल की बात कर लें, जैसे कि सबसे फेमस है रॉयल हॉस्टल, आप उसे बोल सकते हो, उसका नाम है बिरला हॉस्टल, ठीक है, जिसमें बहुत पहले मेरे कम से कम 1 महीने वीडियोज गए होंगे उस हॉस्टल से। बिरला हॉस्टल जो होता है वो आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों को जो टॉप रैंकिंग में होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बिरला, जो कि आर्ट फैकल्टी के बच्चों को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे एक LBS भी करके है, लाल बहादुर शास्त्री, ये भी दोनों के दोनों हॉस्टल जो हैं आर्ट्स को दिए जाते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा बच्चों को सीट मिल जाती है, लगभग बिरला में मान लो 100-150 और LBS में 100-150, 300-350 बच्चों को सोचो हॉस्टल मिल ही जाता है, लगभग 250-200 तो मिल जाएगा, और इस बार हो सकता है और अच्छा मिल जाए। उसके बाद अगर हम लोग सोशल की बात करें तो यहाँ पे एक आपका AND है, ठीक है, इसी के साथ इसी के पीछे एक और मोना देवी है, ये दो हॉस्टल जो हैं आपको सोशल के लिए भी मिल जाएंगे, ठीक है, ये दो नए बच्चों बता रहा हूं, ये 2020 के बच्चों को भी लागू होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें तो वहां पे भारतेंदु, यहां पे एक हॉस्टल है भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु जो कि सेंट्रल ऑफिस के पीछे पड़ता है, लगभग थोड़ी ही दूर पे है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। भारतेंदु हॉस्टल की थोड़ी सी एक कमी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बच्चों को हॉस्टल कम मिलता है, बस मतलब हॉस्टल कमी नहीं है, प्रशासन की कमी है, गर्ल्स को यहाँ पे हॉस्टल कम मिलता है, चाहे MME में तो पर्याप्त हॉस्टल है क्योंकि वो तो गर्ल्स के लिए बनाया गया, वुमेन कॉलेज है, लेकिन FMC में गर्ल्स के लिए जो सीट है लगभग 12 से 15% होगा मुझे लग रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो गर्ल्स को मुश्किल से 30 से 35 आपके आर्ट्स फैकल्टी में हॉस्टल मिलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है हॉस्टल्स, मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सालों में लड़कियों को भी बढ़ चढ़ के हॉस्टल्स मिलेंगे। यहाँ पे हॉस्टल्स लड़कियों के लिए कम बनाए गए हैं, कुछ कोर्सेज में पूरे के पूरे अच्छे बनाए जा रहे हैं, मैं बोला कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मे भी आने वाले समय में इसकी सहूलियत देखने को मिले। इसी के साथ साथ अगर मैं LLB की बात करूं, यहाँ पे एक चौधरी करके कोई हॉस्टल है, उनके लिए बहुत अच्छा है, आराम से उनको भी अलॉट किया जाएगा। हॉस्टल तो हर एक फैकल्टी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए है, चाहे PG में दाखिला लो चाहे UG में, सबको हॉस्टल मिलता है, बस ये है कि क्राइटेरिया 30% का ही है, ठीक है। और इसी के साथ एक फैक्ट की बात बताऊं आपको, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे एशिया में सबसे बड़ा छात्रावास वाला विश्वविद्यालय है, इससे बड़ा विश्वविद्यालय पूरे एशिया में नहीं है, उसके बावजूद सोचो कि 30% कोई ले देता है। अगर BHU जिस दिन अपने 50% बच्चों को हॉस्टल देने लगेगा, मुझे लग रहा है आने वाले कई जुड़े हुए कॉन्टिनेंट को पछाड़ देगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि महामना द्वारा बचाया गया रचित ये विश्वविद्यालय जो है वो पूरे विश्व में अपना रैंकिंग लाए, बस ये हम लोग NRF में रैंकिंग लाके क्या करेंगे, थर्ड, पूरे विश्व में रैंकिंग लाए, और इसमें प्रशासन कुछ ज्यादा नहीं कर पे, इसमें हमें करना पड़ेगा, हम सभी छात्रों को करना पड़ेगा। तो आप लोग जब आ रहे हो तो इस पे एक झक्कास मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसमें बहुत डिटेल में बात करूंगा कि आने के साथ मटर गश्ती खुली सड़क पे करते करते अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करना है, अपने करियर को कैसे बनाना है, इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी मैं आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शंस बताऊंगा, इसीलिए उस वीडियो को देखना कतई ना भूलें, बहुत डिमांडिंग है और बहुत मोरल फूल इथिकल वीडियो होगा, और उसको शेयर, इस वीडियो को भी शेयर करना नहीं भूलना है। हॉस्टल की जो भी समस्याएं इसके बाद आपकी आती हैं, अच्छा लास्ट में टाइम बता देता हूं ना, डेट कब तक अलॉट हो जाएगा,
तो ये हॉस्टल आपका देखो अलॉट होने में, क्योंकि अभी तो हम लोग फर्स्ट एक बच्चों का ओपन ही नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग कंपेनिंग कर रहे हैं, सो प्लीज कंपेनिंग करते रहिएगा कि ओपन होने के जल्दी से डेट आ जाए। डेट आने के 10-15 दिन पहले देखो हॉस्टल के लिए उन्होंने लोग आपके पोर्टल पे हो सकता है दे दे। उसके लिए क्या करना ना, उसके लिए आप मेरे चैनल को ही फॉलो कर लो, सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि फिर आप कहाँ पता करोगे। तो BHU पाठशाला जो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब वहां से अपडेट आएगा या कुछ भी हमें पता चलेगा तो वो हम आपको बता देंगे और आपका काम आसान हो जाएगा, सबसे आसान तरीका। और जो 2020 के बच्चे हैं उनका हॉस्टल का लिस्ट जो है वो आने वाले 25 तारीख तक 26 तारीख तक सुनने में आ रहा है, 25 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि हॉस्टल और डिपार्टमेंट फैकल्टी के नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दिया जाएगा, उसका भी नोटिस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। सो गाइस प्लीज, अच्छा हाँ एक और स्लाइड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। BHU पाठशाला इस बार अपना जो कोर्स है वो पूरा स्मार्ट बोर्ड पे न्यू फैकल्टी के साथ लाया हुआ है। तो अगर आपके आसपास छोटे भाई बहन रिश्तेदार कोई BHU की तैयारी करना चाहता है, CUET की, DU, JNU, AU, इन तमाम विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की तैयारी करना चाहता है, तो वो बेहिचक इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है उस पे कांटेक्ट कर सकता है और वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले, हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा और आने वाली जो वीडियोज है उसमें आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक बार जाने से पहले मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा BHU में आने का, और विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, BHU पाठशाला को 50K कंप्लीट कराएं, जिससे हम सभी मिलके आपके आने के बाद एज अ फ्रेशर पार्टी BHU कैंपस में सेलिब्रेट कर सकें। हर हर महादेव।